हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है किरण। आप देख रहे हो वी आर किरण वी आर यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कैसे जो GPT से MBR को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो आपको एक एरर आएगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन पर, तो आप देख सकोगे इस उसी पर। आपको फर्स्ट आप सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने के बाद आपको जो एक एरर जो आएगा, तो देख लो। तो इसका सेम करना चाहिए आपको, और कस्टम इधर जो आपको जो दिख रहा है ना, इस पर आपको जो एक एरर जो मैसेज आएगा इधर नीचे, तो देख पाओगे। तो इधर देख लो आप, तो अभी आप देख सकोगे। तो इस पर आपको जो एरर जो आएगा, जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के लिए मना जो आ जाएगा इस पर। तो फ्रेंड्स, अभी आपको जो फुल्ली बैक आना चाहिए आपको, मीन्स आपको इसको स्विच ऑफ नहीं करना है। आपको कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस 10 को क्लिक करना है। आप इधर आने के बाद आपको जो फर्स्ट डिस्क पार्ट पर डिस्क पार्ट कर लिखना चाहिए आपको। बाद में लिखने के बाद आपको एंटर मारना है। आपको एंटर मारने के बाद लिस्ट कर आपको टाइप करना है। लिस्ट का जो टाइप करने के बाद आपको फिर से एंटर मारना है। तो बाद में इस पर सेलेक्ट डिस्क जीरो करना है, वो नहीं करना है, समझ लो फ्रेंड्स। सेलेक्ट डिस्क जीरो है, बाद में इसको एंटर करना है आपको। तो एंटर करने के बाद आपको सिंपली से क्लीन कर लिखना चाहिए आपको। क्लीन कर टाइप करने के बाद और एक बार एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद इतना सारा आता है, ये जो मेरा जो SSD का है उसके लिए इतना रहा है। आपको जस्ट 2 लाइंस पर क्लियर हो जाएगा। बाद में आप देख सकोगे इधर ही, तो देख लो आप। और एक बार 100% प्रूफ के से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेम ही आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बाद में इसको पार्टीशन का जो आ जाएगा इधर, तो पार्टीशन पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। आपको ये जो एरर मैसेज आपको क्या भी नहीं दिखा रहा है, तो समझ लो आप ही। तो ये जो वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट